हल्द्वानी हिंसा के बाद से उत्तराखंड पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस लगातार मामले की जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस अन्य फरार दंगाइयों की तलाश के लिए शहर में जगह जगह पोस्टर भी लगा रही है। इसी बीच हल्द्वानी के हिंसाग्रस्त बनभूलपुरा क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। वीडियो में एक युवक लोगों को नोटों की गड्डियां बांटता दिखाई दे रहा है। दरअसल ये युवक हैदराबाद का रहने वाला है, जो बनभूलपुरा हिंसा में घायल लोगों के घर घर जाकर मदद के नाम पर रुपए बांट रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में हैदराबाद से कैश लेकर युवक हल्द्वानी कैसे पहुंचा और ये लोगों को पैसा क्यों बांट रहा है। देखिए, सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें यहाँ पे किसी व्यक्ति द्वारा कुछ लोगों को पैसा बांटने का मामला संज्ञान में आया था। इसमें जांच करने पर और पूछताछ करने पर पता लगा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है हैदराबाद यूथ करेज के नाम से, उनके कुछ लोग यहाँ पर आए, उन्होंने कुछ लोगों को यहाँ पैसा बांटा है। तो ये जो एनजीओ, इसका जो पैसा कहाँ से आया है, किसने इनको पैसा दिया है, कितना पैसा इन्होंने बांटा है और बाकी जो जो चीज़ें हैं उनकी डिटेल हमने ली है, वो उसमें जांच कर रहे हैं। इसमें जैसे भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम और बाकी अन्य विभाग भी इस मामले में कार्रवाई करेंगे। वहीं वीडियो के वायरल होने के बाद नैनीताल SSP प्रहलाद नारायण मीना ने बताया कि शुरुआती जांच में यह पता लगा है कि हैदराबाद यूथ करेज के नाम से कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके कुछ लोग हल्द्वानी आए थे और उन्होंने बनभूलपुरा में कुछ लोगों को मदद के नाम पर पैसा दिया है। लेकिन इतने पैसे कहां से और किसके खाते से आए हैं, इसका अभी तक पता नहीं चला है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद लोगों के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर ये युवक लोगों को नोटों की गड्डियां क्यों बांट रहा है और युवक का असली मकसद क्या है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।